हेलो डियर स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर फाइव सो टिल नाउ हमने लेक्चर फोर तक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ होते हैं वो हमने डिस्कस करें फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे फर्स्ट uh, लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं हमने देखा था सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं देन हमने डिस्कस करा था कुछ कॉमन टर्म्स जो कि यूज होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स या कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स में ओके okay, हमने डिस्कस करा था कॉर्डिनेशन एंटिटी सेंट्रल मेटल एटम आयन देन आपका लिगेंड्स क्या होते हैं कॉर्डिनेशन नंबर देन हमने कॉर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा हमने डिस्कस uh, करा हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और काउंटर आयन क्या होता है तो ये सारे कुछ कॉमन टर्म्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है आई होप आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को तो देखिए इस लेक्चर में हम सबसे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ओके तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ओके तो देखिए एनाइनिक एलिगेंट्स क्या होते हैं ओके चार्ज में अगर हम देखें तो एनाइनिक मतलब जो नेगेटिव चार्ज बेयर करते हो जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें एफ माइनस सी एल माइनस साइनाइट सी एन माइनस एस माइनस टू सल्फर पे माइनस टू सल्फेट एस ओ फोर पे माइनस टू ओके हम इनके नेम्स भी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एनाइनिक एलिगेंट्स हैं इनके डिस्कस करेंगे चलिए और कौन कौन से हैं ओ टू माइनस दैन आपका सी ओ थ्री टू नेगेटिव देन आपका एस ओ थ्री टू नेगेटिव ओके okay. देन आपका जैसे हम अगर हम बात करें साइनाइड तो इसके काउंटर में एन सी नेगेटिव दिखेगा आपको जैसे ही बट यहाँ पे पोजीशंस अलग हो जाते हैं बॉन्डिंग की इनको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंट हम डिस्कस करेंगे देन आपका एन ओके okay. देन आपका एन एस देन आपका एन सी एस माइनस या फिर एस सी एन माइनस ओके okay. और अगर हम फिर से देखें तो एन सी एस नेगेटिव एस सी नेगेटिव एक जैसे ही है बट इनकी बॉन्डिंग अलग अलग होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे देन हम देखते हैं ऑक्जिलेट आयन ओके सी टू ओ फोर टू नेगेटिव ओके ऑग्जिलेट एन आयन दैन एन एच टू माइनस ओके अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइसिनेट ओके यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लाइसिनेट आयन है यहाँ पर और यह इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो देन हम यहाँ पे देखेंगे डाए मेथाइल ग्लाय ऑक्जीम इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ डाए मेथाइल ग्लाय ओके और ये रही यहाँ पे इसका कंप्लीट बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो एनैनिक लिकेंड है ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज है और डी का फुल फॉर्म क्या होता है डाए मेथाइल ग्लाय ओके चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए ओके तो देख सकते हो आप नेक्स्ट लिकेंड है ए सी ए सी ओके okay? क्या नाम है इसका एसिटाइल एसिटोनेट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल एसिटोनेट ओके यहां पर आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन ये हमारा एनाइनिक लिगेंट की कैटेगरी में आएगा नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिगेंट इज ईडीटीए माइनस फोर वेरी इंपॉर्टेंट ओके फुल फॉर्म क्या है इसका कंप्लीट नेम इज इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट ओके इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटेट ओके अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यह आप देख सकते हो इथिलिन वर्ड जो आ रहा है ये दो कार्बन मतलब सी एच टू सी एच टू डायमीन दो नाइट्रोजन आप देख सकते हो तो डायमीन होता है देन टेट्रा एसिटेट टेट्रा एसिडेट के लिए हम सी एच टू सी ओ नेगेटिव लगाएंगे तो चार सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव ग्रुप आप यहाँ पर देख सकते हो नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए हैं दो नाइट्रोजन के साथ में ओके okay? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगेंड है क्या नाम है इसका ई डी टी है और इस पर टोटल चार्ज कितना है माइनस फोर ओके तो माइनस फोर या फिर कह सकते हो आप ये भी एक एनाइनिक लिगेंड होगा तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट लिगेंड को दैट इज एनओ टू माइनस ओके तो एनओ टू माइनस जो है हमारा ये भी एक एनाइनिक लेगैंड है ओके और इसको क्या बोलते हैं हम नाइट्रीटो एन ओके एन स्टैंड फॉर कि नाइट्रोजन से यहां पर इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ओके वन मोर लेगैंडयर ओ एन ओ नेगेटिव ओके विच अपियस टू तो बी सेम फार्मूला जैसा ऊपर देख सकते हो एन टू नेगेटिव लेकिन यहां पर ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कॉर्डिनेट बॉन्ड इसको हम क्या लिखते हैं नाइट्रीटो ओ ओके तो इस तरह से अगर हम नाम लिखेंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगी कि बॉन्ड कहां से बन रहा है कॉर्डिनेट बॉन्ड कहां से बन रहा है ओके तो ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं एमबीडेंटेट लिगेंड ओके क्योंकि यहां पर एक में नाइट्रोजन से और एक में ऑक्सीजन से कॉर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है Nitrito -N में नाइट्रोजन से, ओके? Okay? तो क्या बोलते हैं इसको हम MB ligand. अगर हम अगर देखें अभी जो हमने करे इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया भी था नेगेटिव और एस सी एन नेगेटिव ओके तो ये भी आपस में हैं ओके okay? अगर हम इसका नाम देखें तो इसको हम बोलते हैं ओके और एन सी एस नेगेटिव को अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है आइसो ओके चलिए अब अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो देखिए स्ट्रक्चर अगर हम देखें एन सी एस नेगेटिव का तो ये रहा ओके या फिर आप थोड़ा सा इस तरह से ही इसी सीक्वेंस में बना लेते हैं एनसीएस नेगेटिव के तो ये आप देख सकते हो आइसो थासाइनेटो का ये स्ट्रक्चर है आप नाइट्रोजन पे देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है वहीं पर थायोसाइनेटो में आप देख सकते हो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है और ये इसका स्ट्रक्चर है तो थायोसाइनेटो में सल्फर से डोनेट होगा आइसो थाोसाइनेटो में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा ओके आई होप ये दोनों आपको क्लियर है एम बी लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे ये दोनों आपस में ओके okay? थायोसाइनेटो एंड आइसो थयोसाइनेटो किस कैटेगरी में आएंगे एम्बीडेंटेड लिगेंट की कैटेगरी में आएंगे चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स ओके okay? तो न्यूट्रल लिगेंट्स मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा ओके जीरो चार्ज या अनचार्ज रहेंगे ये इसके एग्जाम्पल में देखें तो देखिए कार्बोनाइल सी ओ कार्बोनाइल दैन एन एच थ्री अमोनिया मॉलिक्यूल एच टू ओ मोलिक्यूल दैन पिरीडिन पी वाई इसको हम लिख देते हैं देन डी आई पी वाई डाई पिरीडिन ओके चलिए अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं तो पीरिडिन का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये रहा नाइट्रोजन से लोन पे डोनेट होंगे टू मेटल ओके डाय का अगर स्ट्रक्चर देखें तो देखिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ डाय का ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ डाईपीरिडिन इसी तरह एक और यहाँ पर रिंग आएगी सेम नाइट्रोजन भी बनाना पड़ेगा ये देखिए नाइट्रोजन और ये देखिए आप डाई ये आपके न्यूट्रल लिगैंड है ओके okay? दो पिरीडिन है यहाँ पे दो नाइट्रोजन से एक एक लोन पेयर आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटली दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये डी आई पी वाई लिगेंड बनाएगा विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन ओके चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ अब देखते हैं जैसे कि आप देख सकते हो हाइड्रोजीन एन एच टू एन एच टू यहाँ पर भी दो तो नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये यह कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे देन सी ओ अभी जैसे मैंने आपसे तो डिस्कस करा कार्बोनाइल लिगेंड ओके अब देखिए अगर ऑक्सीजन सल्फर यहाँ रिप्लेस होता है ओके ऑक्सीजन की जगह सल्फर आता है तो जैसा कि हमने इसका नाम क्या बोला था, था? कार्बोनाइल तो अगर सल्फर आ जाता है तो वर्ड आ जाता है था थायो या थियो ओके तो जब भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आता है तो वर्ड आ जाता है थियो तो इसका नाम क्या हो जाएगा थायो कार्बोनाइल ओके ऊपर वाले का क्या नाम है कार्बन सी ओ का, का कार्बोनाइल ओके नीचे वाले का क्या नाम हो जाएगा थायो कार्बोनाइल ओके ये आप हमेशा याद रखेंगे ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर आएगा तो वर्ड क्या आता है थायो ओके आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ ठीक है चलिए तो ये सभी अभी अभी तक हमने जितने ही पढ़ा ये सब कौन से थे न्यूट्रल लिगेंड अब देखते हैं पॉजिटिव या फिर कैटाइनिक लिगेंड तो पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग लिगेंड्स अब देखिए एन पॉजिटिव एच पॉजिटिव एन पॉजिटिव देन आपका एन सॉरी एन पे लोन पेयर और एन पे पॉजिटिव ओके okay. नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर है ये इस पर पॉजिटिव होगा एन एस थ्री पे पॉजिटिव ओके okay. तो लोन पेयर डोनेट होंगे फ्रॉम नाइट्रोजन जिसपे रेड कलर के डॉट्स हैं ओके अगर इनके नाम लिखें तो एनओ टू पॉजिटिव बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन देन आपका इसको yes बोलेंगे नाइट्रोसिलियम आयन एच थ्री पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे सब में क्या आ जाता है आई यू एम ई एम कैटाइनिकिगेंट्स में लास्ट में क्या आता है ई एम जैसे नीचे जो लास्ट वाला है इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्राजीनियम ओके okay? तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा डिस्कशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी क्या होता है डेंटिसिटी ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दी बेस्ट बाय बाय